मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी दर्शक है, सबसे बड़ा रोल हमारे दर्शक का है। बिल्कुल जो पवन जी को भगवान, मतलब भोजपुरी के भगवान ही मानते हैं मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि उनको अब आगे बढ़ना चाहिए, अपनी पत्नी का, पत्नी को सखा बनाना चाहिए। और जिस दिन वो सखा पत्नी को बना लेते हैं तो उनको जीतने से कोई रोक पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं रोक पाएगा। और पब्लिक ही है जो, आप देखिएगा जब मैंने एक न्यूज़ चलाया था तो पब्लिक ने क्या कहा था, जो कमेंट आप देखिएगा, ज्योति पवन एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। तो उनका रोल नहीं है, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपने भी, किसी ने भी अगर नेगेटिव भी चलाया तो उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए, एवरीथिंग। उनकी क्या ख्वाहिशें थी कि कौन मिल जाए, पवन जी वाली पवन जी और ज्योति। बबिता मिश्रा ने दिया पवन सिंह को एडवाइस। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को चाहिए कि वो ज्योति सिंह को अपनी दोस्त बना ले, वो क्लोज फ्रेंड बना ले जिनसे वो सारी बातें शेयर कर सके, अच्छी भी और बुरी भी। उनके लाइफ में जो कुछ भी चले उसका एक एक खबर वो ज्योति को दे, ऐसा क्लोज फ्रेंड उनको ज्योति को बना लेना चाहिए। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उन दोनों के बीच में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और दोनों हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। पवन की सबसे बड़ी कमी थी कि वो ज्योति से चीज़ें छुपाते थे, इसीलिए ज्योति को भी इस तरह का भ्रम हो जाता था, शक हो जाता था। लेकिन अगर पवन हर एक चीज़ ज्योति से बताएं तो ज्योति को भी अच्छा लगेगा कि उनका पति उन्हें इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है कि अपनी हर एक चीज़ उन्हें बता रहा है। तो इस तरह से बबिता मिश्रा ने इस चीज़ों को कन्फर्म किया। और आपको बता दें कि बबिता मिश्रा ने पवन ज्योति को मिलाने का क्रेडिट खुद लेने के बजाय लोगों को दिया। उनका कहना है कि पवन ज्योति आज एक हुए हैं तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन्हें ही जाता है जो दोनों इतने लंबे समय से अलग थे फिर भी एक हो गए। इसके पीछे का उनका प्यार ही था जो उन्हें एक किया। और वहीं दूसरा क्रेडिट उन्होंने पब्लिक को दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हमेशा दुआएं मांगते थे उनके लिए कि भैया भाभी एक हो जाएं, पवन ज्योति एक हो जाएं, ये उन्हीं के दुआओं का असर है कि आज वो दोनों एक हैं। तो हम या कोई और कौन होता है क्रेडिट लेने वाला? क्रेडिट तो सबका है, खुद पवन ज्योति का है और उनके चाहने वालों का है। आपको बता दें कि वीना मानवी ने खुद ही को क्रेडिट दिया था पवन ज्योति को मिलाने का, लेकिन वहीं बबिता मिश्रा जो क्रेडिट है वो खुद नहीं ले रही, वो ज्योति सिंह और पवन सिंह को दे रही हैं, उसके बाद उनके पब्लिक को दे रही हैं, जनता को दे रही हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।